नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं हूं आपके साथ अरुण राठी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। घटने से हादसा हुआ है और हमारी तरफ से पूरी सहानुभूति है इनके साथ। गैस सिलेंडर फट गया है, उससे उनके घर। बागपत के बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के पट्टी नहर में सोमवार की शाम अचानक घरेलू गैस का सिलेंडर फट गया, जिससे तेज धमाके के साथ मकान ध्वस्त हो गया। मकान के मलबे में दबकर वृद्ध दंपति व उनका 5 साल का पोता घायल हो गया। आग की चपेट में आकर पड़ोस के 7 लोग भी आग में लगभग 60-70% झुलस गए, जिन्हें आनन-फा नन में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल आपको बता दें कि मामला बड़ौत है, जहां पर पट्टी नहर कॉलोनी के रहने वाले एडवोकेट रवि के मकान पर सोमवार की शाम उनके पिता सुनील जैन व माता उर्मिला जैन मौजूद थे। परिवार के बाकी सदस्य घर से बाहर गए हुए थे। सोमवार को शाम के समय उर्मिला जैन रसोई गैस पर खाना बना रही थी। इस दौरान सिलेंडर में अचानक से आग लग गई तो उर्मिला ने शोर मचा दिया। उनकी आवाज सुनकर आसपास के लोग उधर दौड़े कि अचानक से तेज धमाके के साथ सिलेंडर फट गया, जिससे मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गया। मलबे के नीचे दबकर दंपति घायल हो गए। उधर से गुजर रहे कुलदीप, मनोज, विकास व गौरव, वेदांत, सुनील, उर्मिला, माही व प्रीति आग की चपेट में आ गए। साथ ही उनके पड़ोस में रहने वाली एक छोटी बच्ची अनमोल, उसकी मां सुमन व एक अन्य महिला मंजू झुलस गए। पट्टी महर है, कस्बा बड़ौत में, जनपद बागपत में। सुनील जी हैं, उनके मकान में गैस सिलेंडर फट गया है। उससे उनके घर के लोग, जो 2 लोग हैं, सुनील और उनकी पत्नी, वो घायल हुए हैं। इसके अतिरिक्त तो जो रास्ते में जा रहे थे वो लोग घायल हुए हैं, कुछ बचाने वाले लोग घायल हुए हैं। कुल मिलाकर 9 लोग घायल हुए हैं। अभी आस्था हॉस्पिटल में और जीवन ज्योति हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा है और अभी फर्स्ट एड इनको दिया जा रहा है। जैसी स्थिति है, अभी सिटी स्कैन 3 लोगों के हुए हैं। जैसी भी स्थिति इनकी रहेगी, फर्स्ट एड देने के बाद रेफर करने की स्थिति आती है तो इनको सीएमओ मेरठ से बात कर लिए तो वहाँ रेफर कर दिया जाएगा। अभी जो है इनका इलाज चल रहा है। सभी बोल रहे हैं, सभी पेशेंट से जो मेरी बात हुई है, सभी अभी बोल रहे हैं, लेकिन 40-50% तक इनमें से जो है वो जल गए हैं। तो बर्न केसेस भी हैं इसमें और उनकी जो है फ्रैक्चर, दो लोगों का फ्रैक्चर भी हुआ है। बाकी अभी सिटी स्कैन चल रहा है तो उसी के अनुसार पता चल जाएगा। अभी मकान पे जो है, मकान जो है वो नीचे आ गया है, उसमें भी घटना हुई है। SDM CO मौके पर अभी हैं, वो कार्रवाई चल रही। पहले इनकी व्यवस्था करना, उचित चिकित्सीय व्यवस्था कराना बहुत इम्पोर्टेंट था, वो अभी फर्स्ट एड की कार्रवाई की जा रही है इनकी। सिलेंडर फटने का कारण पता चला मैडम? सिलेंडर फटने के, चूंकि उर्मिला देवी जो हैं सुनील जी की पत्नी हैं, वो अभी सिलेंडर फटने के बारे में नहीं बता पा रही हैं, लेकिन आप सब जान रहे हैं कि इस समय जो है ठंड बहुत पड़ रही है और ये गैस जो है वो तरल पदार्थ है और निश्चित तौर पर जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, सिलेंडर कभी उल्टा कर देते हैं या जो है उसमें आग के बहुत पास जहां जल रहा होता है उसके पास कर देते हैं, तो उस तरह से हादसा हुआ। एग्जैक्ट भी इसमें पता नहीं चल पा रहा किस कारण से घटना हुई है। तेज धमाके से अफरा तफरी मच गई, लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। सिलेंडर के फटने से आसपास के भी कई मकानों में दरारें आ गई। मौके पर JCB की मदद से मलबे को हटाया गया। किसी तरह लोगों ने हिम्मत जुटाकर घायल दंपति को मलबे के नीचे से निकाला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को नगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें रेफर कर दिया, जिसके बाद उन्हें बड़ौत के आस्था हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जबकि गंभीर हालत को देखते हुए प्रीति को मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया है। सूचना मिलते ही मौके पर DM, ADM व SP बागपत भी मौके पर पहुंचे। ये सिलेंडर फटने से हादसा हुआ है और हमारी तरफ से पूरी सहानुभूति है इनके साथ। मेरी DM साहब से बात हुई है, पहले तो इनके ट्रीटमेंट के लिए इनका फ्री ट्रीटमेंट कराया जाएगा और जो मकान का जो क्षतिग्रस्त हुआ है उसका जो है पूरा जो मुआवजा उनको मिलेगा। कितने लोग घायल हुए हैं और ये जो हादसा हुआ है कैसे हुआ? ये 9 लोग घायल हुए हैं जैसा मैंने सुना है और मैं मौके पर भी गया, ये सिलेंडर के फटने से हुआ है।